आ जाएगी तब तुम लोग स्कूल जाना। माँ, हमारा तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसे। कोई बात नहीं है बच्चों, जब तक छतरी। टुनटुनी चिड़िया के तीनों बच्चे बारिश में भींगते हुए घर आते हैं। टुनटुनी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। अरे बच्चों, तुम आज स्कूल से आधे घंटे में ही क्यों आ गए और बारिश में भींगते हुए क्यों आए हो? माँ माँ, टीचर ने कहा अगर छतरी नहीं है तो स्कूल मत आना, हम बिना छतरी वालों को स्कूल में नहीं आने देंगे। अरे ये क्या बात हुई, जब तुम जा रहे थे तो बारिश तो नहीं हो रही थी और तुम जब आते तो भी बारिश होती या ना होती? अभी पूरी बारिश में टीचर ने तुम्हें वापस कर भेज दिया। नहीं माँ, अब हम नहीं जाएंगे स्कूल जब तक हमारे पास छतरी नहीं होगी। अच्छा बच्चों, चलो तुम लोग अपने आप को पोंछ लो वरना सर्दी लग जाएगी। और मैंने सूप बना दिया है, सूप पी लो ताकि सर्दी ना लगे। तीनों बच्चों ने सूप पिया। अब टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी। तभी बबलू चिड़िया घर आया। अरे टुनटुनी, आज बच्चे घर पे ही हैं? हाँ, टीचर ने कहा है अगर छतरी ना हो तो मत आना, इसलिए बच्चे वापस आ गए हैं। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, टीकू बत्तक ने दुकान खोली है, उसके पास जाता हूँ और छतरी खरीद कर ले आता हूँ। बच्चे कल से छतरी लेकर जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन टीकू हर चीज की कीमत बहुत रखता है, ऊपर से बड़ा बदतमीज है, कुछ भी कह देता है। अरे टुनटुनी, हमें छतरी से काम है, उनकी बातों से क्या काम है, मैं जाता हूँ। बबलू चिड़ा टीकू बत्तक के पास छतरी खरीदने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे कालू कौआ मिलता है। अरे कहाँ जा रहा है बबलू, रुक इधर आ। मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। कालू मुझे रोको मत, और मैं जानता हूँ तुम बेकार की ही बात करोगे, तुम्हारे पास कुछ तो है नहीं, काम का ना काज का, डेढ़ मर अनाज का, बैठे बैठे गप्पे हाँकते रहते हो, मुझे तुम्हारी गप्पे नहीं सुननी। अच्छा जा बेटा जा, मैं तो इसका बदला लेके रहूँगा। बबलू टीकू के दुकान पर पहुँचता है। बबलू आजा आजा, आओ, बड़े समय बाद एक बड़ा मुर्गा आया है। क्या कहा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। अब बता क्या चाहिए तुझे, छतरी चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे छतरी ही चाहिए। देखो ना, बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया छतरी नहीं थी तो। अरे वो तो ऐसा करेंगे ही ना, मैंने ही स्कूल वालों को बोला है, वरना मेरी छतरी कैसे बिकेगी। तू बता, ये टीकू तुम बहुत बुरा करते हो, बहुत बुरे इंसान हो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। अरे क्या अच्छा और क्या बुरा, बिजनेस में सब कुछ चलता है, गंदा है पर धंधा है, क्या करेगा, करना पड़ता है। अब बता तू, तुझे कौन सी छतरी चाहिए? मुझे कोई भी तीन छतरी दे दो, थोड़ी मजबूत सी। ठीक है ठीक है, 3000 रुपए निकालो। अरे ये क्या टीकू, मैं छतरी खरीद रहा हूँ, तुम्हारी दुकान नहीं। अबे तेरी क्या औकात, तू मेरी दुकान खरीद लेगा? हाँ, 3 छतरी के ही दाम बता रहा हूँ, लेना है तो लो वरना रास्ता उधर है, 2 टांग दिए हैं, पकड़ो और उसे पकड़कर निकलो। मेरी बीबी ठीक कहती है, तू बड़ा बदतमीज है। भाभी जी ने इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया, देखो भाभी जी पहचान लेती हैं। देख टीकू, अब और बदतमीजी ना कर, दे दे ये छतरियाँ मुझे। अरे चिलगोजे, निकल यहाँ से, पैसे है नहीं, अंटी में नहीं है ढेला, और देखन चला है मेला, चल भाग यहाँ से। जितनी रफ्तार से भाग जाता है उतनी रफ्तार से भाग, मेरा चील भूखा बैठा है, खाना जाए तुझे। और तूने जो मेरा दिमाग खाया ना, उसके 100 रुपए अभी के अभी निकाल। ये क्या बदतमीजी है, हाँ हाँ यही बिजनेस है मेरा। चील को देखकर बबलू डर जाता है और 100 रुपए निकाल कर दे देता है। उदास बबलू घर पहुँचता है। अजी क्या हुआ, आप तो छतरी लाने गए थे। अरे ये टीकू बहुत बदतमीज है, उल्टा 100 रुपए वो भी चले गए, मेरे पॉकेट में मात्र 500 रुपए थे और 3 छतरियों के वो 3000 बोल रहा था, मैं कहाँ से लाता। ब-
बबलू रात भर सोचता रहा और अगले दिन तीनों बच्चे सोए हुए थे, पर टुनटुनी उन्हें जगाना नहीं चाहती थी। वो जगते तो फिर स्कूल जाने की जिद करते और छतरी नहीं होने से स्कूल वाले उन्हें घुसने नहीं देते, लेकिन बच्चे जग गए। माँ माँ, हमारी छतरी आ गई। हाँ माँ, बाबा तो हमारी छतरी लेने गए थे। हमारी छतरी कहाँ है? दिखाओ ना। अरे बच्चों, तुम्हारी अभी छतरी नहीं आई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। जब बबलू टीकू की दुकान पर चला जाता है। अरे क्या करूं, ये दुकान तो चारों तरफ से बंद है। मैं सोच रहा था किसी तरीके से तीन छतरियां चुगरा लेता तो मेरा काम बन जाता, मुझे दिक्कत नहीं होती, पर अब क्या करूं। तभी दुकान के पीछे से तीनों भतीजे टीकू के निकल के बाहर आते हैं। अरे बबलू काका, जब तक है हम तब तक किस चीज का है गम, आपको मिल जाएगी छतरी, ये रही चाबी दुकान की। अरे अरे बच्चों, तुम्हारे चाचा को पता चलेगा तो वो फिर तुम पे नाराज होंगे। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, आप यहाँ से आराम से ले लो जितनी छतरियाँ चाहिए। चाचा है कंजूस, इन्होंने स्कूल वालों को परेशान करके रखा हुआ है, और चाचा है पैसे वाले, डर से स्कूल वाले बच्चों को कहते हैं छतरियाँ ले लो। अब गरीब बच्चों के माँ बाप जब आते हैं छतरियाँ खरीदने तो चाचा मोटे माल लेते हैं। हम सब कुछ छिप कर देख रहे थे आपके साथ चाचा जो कुछ भी कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी स्कूल आए, वो हमारे साथ पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है सबका साथ। ये लो चाबी और ले जाओ छतरियाँ। तीनों बच्चे दुकान की चाबी लेकर दुकान खोल देते हैं और बबलू तीन छाते ले लेता है, बदले में 500 रुपए मेज पर रख देता है। और छतरियाँ चाहिए क्या चाचा? अरे नहीं नहीं बच्चों, मेरा काम हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे चाचा को कल पता चल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, कल वो तुम्हें जरूर पूछेंगे। अरे चाचा नो टेंशन, हम है ना, हम संभाल लेंगे सब कुछ। अगले दिन टीकू पहुँचा दुकान। अरे वाह वाह, कल की कमाई तो मजा आ गया, और वो बबलू चिड़ा तो मुफ्त में 100 रुपए दे कर गया। ही ही ही, अरे यूं ही मैं इतना अमीर थोड़ी बना हूँ। लोग कहते हैं गलत काम है, अरे गंदा है तो क्या हुआ, धंधा है, बिजनेस ऐसे ही होता है। क्यों चील, गलत कह रहा हूँ? नहीं मालिक, आप गलत कहाँ कहते हो, आपने ऐसे ही महल तो नहीं बना लिए, पैसे जमा कर कर के ही तो बनाए हैं। तू ही है जो मुझे समझता है। अरे ये 500 रुपए कौन रख के गया है मेज पे? अरे सामने की ये तीन छतरियाँ कहाँ चली गई? अरे खिड़की से देखो, वो बच्चे तो टुनटुनी के है ना, देखो ये तो मेरी दुकान की छतरियाँ हैं। अरे ये बच्चे मेरी छतरी लेके जा रहे हैं, और ये 500 रुपए के साथ चिट्ठी भी है, ये तुम्हारी छतरियों के दाम है, और बच्चों को तंग करने की कोशिश भी ना करना, वरना बुरा हाल करूँगा। अरे ये कौन सा जादूगर है जिसने बंद दुकान के अंदर से मेरी छतरियाँ निकाल ली? छोड़ दो, भूल जाओ उन तीन छतरियों को। टीकू बत्तक ये सोच रहा था कि ये काम भूतों का है, और पीछे तीनों बच्चे हंस रहे थे। अच्छा मजा आया है ना भैया? हाँ हाँ आया तो मजा।